जिन लोगों के लिए वो हक दिया गया था उन लोगों को वो हक मिल क्यों नहीं रहा था। इसका मतलब जो ऊपर लोग बैठे थे वो इसको गबन कर रहे थे, इसको खा रहे थे, मोदी जी सही कर रहे हैं फिर इनके साथ। तो वक्फ बोर्ड गबन कर रहा था, अब सरकार गबन करना चाहती है, तो ये आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड गबन कर रहा है? हाँ, ये बात इस्टेब्लिश है भाई। आप मुझे बताइए कि अंबानी को जो प्रॉपर्टी दी गई वो किसने दी है? वक्फ बोर्ड ने सौदा किया उसका। और ये तेलंगाना के अंदर जब ये केसीआर थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, कई एकड़ ज़मीन जो है कब्जा कर ली सरकार ने, किसने किया? वक्फ बोर्ड ने कॉपरेट किया उनके साथ में। तो देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर कौन होता है ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप। वक्फ बोर्ड जो होता है, कोई भी स्टेट बनाती है तो उसका चेयरमैन स्टेट का आदमी होता है। उसके अंदर जो लोग लिए जाते हैं बज़ाहिर तो मुतवल्ली होते हैं, बज़ाहिर तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, लेकिन वो एक ख़ास पार्टी के लोग होते हैं, तो वो पार्टी जो चाहती है वो करती है। तो देखिए, एक मसला ये, अगर ये सरकार ऐसा बिल लाती कि वक्फ प्रॉपर्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड के स्तर पर जो हरकतें हो रही है उसको रोकने की लाती, तो हम सपोर्ट करते उसको। ये तो इसने लाया कि वक्फ बोर्ड क्यों खाएगा, हम खा लेंगे। पर जो विरोध आज हो रहा है, जो बिल का विरोध हो रहा है, वो उस टाइम विरोध क्यों नहीं हुआ जब वो लोग ऐसा गबन कर रहे थे? देखिए, उस टाइम भी विरोध हो रहा था, लेकिन कानून में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उनको प्रमोट करती है गबन करने के लिए। उसमें आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसमें आप लड़ाई लड़ी लोगों ने, जहाँ लड़ाई लड़ी वहाँ बचा लिया जमीन की प्रॉपर्टी को। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, सुनहरी मस्जिद को कब्जा करने की कोशिश हुई थी, पब्लिक ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, आज उस पर स्टे हो गया। इसी तरह वहाँ पर मेहरौली के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर हुआ, वहाँ भी गए, लड़ाई लड़ी, उसमें हो गया। देखिए, मसला ये असल में कि हम लोग अगर मुसलमान या जिसकी भी संपत्ति है, अगर वो लोग खामोश बैठे रहेंगे और ये समझेंगे कि हमारी लड़ाई वक्फ बोर्ड लड़ लेगा, तो ये खाम ख्याली है। बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने लड़ी ना, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो मौजूद था ना, असल केस तो उसका था, लेकिन लड़ाई किसने लड़ी? उसने थोड़ी लड़ी, पसनल्ला बोर्ड ने लड़ी, जमतुलमा ने लड़ी लड़ाई। हमने तो मना कर दिया था कि हमको कोई ज़मीन नहीं चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली, है ना। तो मसला ये कि ये तो अगला मरहला है, पहले तो हमको ये बिल को रिजेक्ट करवाना है, इसके बाद फिर वक्फ बोर्डों कैसे ठीक किया जाएगा उसकी लड़ाई लड़नी है। तो अभी जो लड़ाई जिस स्तर तक पहुंची है उससे क्या नतीजा निकल कर सामना रहा है? देखिए, नतीजा देखिए, असल में ये सिर्फ QR कोड देने की तक महदूद नहीं है मामला, ना JPC सामने अपना पक्ष रखने तक महदूद मामला। अब तो हमें सेकुलर पार्टियों के साथ और अपोजिशन पार्टियों के साथ और जो इनके अलाइज हैं उनके साथ बात करनी है। हम तो खुद हुकूमत से ही बात करने के लिए हमने दरख्वास्त दे रखी है कि हम प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करने के लिए, देखते हैं क्या होता है जवाब उनका। लेकिन हम तमाम अपोजिशन पार्टियों से मिल रहे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल ये कहकर लाया गया कि हम वक्फ के मामलों को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कही गई है कि हम वक्फ के फ़ायदे जो है अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जायज़ा लेकर देखेंगे, अब तक के यानी 1954 में पहला वक्फ कानून बना था हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में पहला वक्फ कानून तो अंग्रेज़ों के दौर में बना था, लेकिन आज़ादी के बाद पहला वक्फ कानून बना है 1954, और वो उसमें हर बार अमेंडमेंट होते रहे और फाइनली 2013 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ। ये जितने अमेंडमेंट आए हैं ये वक्फ कानून को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये पहली बार BJP सरकार ने ऐसा अमेंडमेंट बिल लाया है जो वक्फ कानून को न सिर्फ कमज़ोर करता है बल्कि वक्फ जायदादों के कब्ज़ों के रास्ते को हमवार करता है। क्या इसमें कोई एक ऐसी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब कई चीज़ें मिसाल के तौर पर देखिए, वक्फ के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वक्फ बाय यूज़र एक क्लॉज है, अभी भी है हमारे कानून के अंदर 1995 का जो कानून है, ये कहता है कि कोई ज़मीन या कोई जायदाद बतौर वक्फ इस्तेमाल हो रही है, जैसे मस्जिद है या कब्रिस्तान है या दरगाह है, अगर वो लैंड रिकॉर्ड में यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में और वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड ना भी हो, अगर वो सैकड़ों साल से मस्जिद के हिस्से इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के हिस्से इस्तेमाल हो रही है, दरगाह के हिस्से इस्तेमाल हो रही है, तो वक्फ। तो इस सरकार ने पहला काम ये किया कि वक्फ बाय यूज़र को निकाल दिया। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ये खबर आई है कि वहाँ जितनी मस्जिदें हैं, जितने कब्रस्तान हैं, 90% वक्फ बाय यूज़र है। अभी मिसाल तौर पे आप मेहरौली चले जाइए, मेहरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में, खिलजी के ज़माने की मस्जिदें बनी हुई हैं,
कहीं रिकॉर्ड में नहीं होगा उसका जिक्र, लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, इस बुनियाद पे कि वो नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र की क्लॉज को आप निकाल दीजिए तो उसके बाद वो उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तो पहली बात यह है जिस पर हमारा बहुत सख्त विरोध है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी इंडोमेंट है यानी वक्फ है, मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हो, आपके सिखों के हो, इनको सबको म्यूटेशन, आपके जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उससे एग्जेम किया गया है। यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि किसी ज़मीन पर अगर आपका 12 साल तक कब्ज़ा है और किसी ने चैलेंज नहीं किया तो आपकी ज़मीन हो गई, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ या दूसरे इंडोमेंट हिंदुओं के और ईसाइयों के और सिखों के, इनको एग्जेम किया गया, इन पर नहीं लग सकता वो कानून। तो यही सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये कहा गया कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, एक बार कोई चीज़ वक्फ हो गई तो हमेशा के लिए वक्फ हो। लेकिन अब इस कानून ने, इस कानून में से वो लिमिटेशन से वक्फ को एग्जेम कर दिया गया, यानी वक्फ को पे भी लागू हो सकता है लिमिटेशन का। अच्छा, जो लिमिट, जो एग्जेम्पशन था वो ख़त्म कर दिया गया। दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि वक्फ पे कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई आदमी क्लेम करता है कि मेरी प्रॉपर्टी है कोई भी हो, तो वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करता है, उसमें एक रिटायर्ड जज होता है, एक कानून का एक्सपर्ट होता है, एक शरीयत का एक्सपर्ट होता है। इन्होंने शरीयत के एक्सपर्ट को उसमें से निकाल दिया। अच्छा, नए वाले बिल में, और ये कहा गया कि कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो वो कलेक्टर को रेफर होगा, कलेक्टर फैसला करेगा कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं है। जो पहले शरीयत के, पहले ट्रिब्यूनल करता था फैसला। फिर इसमें इन्होंने एक कानून में ये पैदा किया कि इन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक प्रोविज़न पैदा किया, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब। अगर कोई ज़मीन पे गवर्नमेंट का कब्ज़ा है या गवर्नमेंट का क्लेम है, उसका फैसला भी वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उसका फैसला भी कलेक्टर करेगा। अब आप बताइए कलेक्टर किसका अंडर में काम करता है? सरकार के अंडर में काम करता है। फैसला किसके अंडर, किसके बारे में करेगा? सरकार के बारे में करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जिन ज़मीनों पे सरकार ने कब्जे कर रखे हैं वो ज़मीन आपके हाथ से गई ये कानून बनने के बाद में। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि जो QR कोड का वो चल रहा है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी क्या वजह है, और जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, अब इसमें सच्चाई क्या है कि मतलब QR करना चाहिए लोगों को, नहीं करना चाहिए, मेल करना चाहिए विरोध में, नहीं करना चाहिए? देखिए, मेल का सिलसिला तो बंद हो गया, 15 तारीख थी। ठीक है, ठीक। देखिए, जब भी कोई कानून लाया जाता है, कानून लाने से पहले सरकार को जो लोग स्टैक होल्डर्स हैं यानी जिन पर कानून लगने वाला है या जिनको कानून मुतासर करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है, उनसे मशवरा लिया जाता है। सरकार ने उल्टा कर दिया, पहले कानून बना लिया, फिर JPC के हवाले किया, और अब वो सवाल कर रही है आपकी राय क्या है। तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक से ओपिनियन लेने की जिम्मेदारी बनती है सरकार की। तो ये जो किया गया कि भाई JPC के जरिए यानी लोगों से कहा गया कि आप अपनी राय दीजिए, तो मुस्लिम फैसला बोर्ड ने इसको वेलकम किया, और मुस्लिम फैसला बोर्ड ने मुसलमानों से ये कहा कि भाई आप इसमें अपनी राय दीजिए। ज़ाहिर है कोई भी मुसलमान इस वक्फ बिल का सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इसकी वक्त सपोर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा वक्फ बिल लाया इन्होंने। तो मुस्लिम फैसला बोर्ड ने ये लोगों की सुविधा के लिए एक QR कोड बना दिया ताकि आसानी से लोग कर सकें, इसलिए सबके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना, ईमेल का इस्तेमाल करना इतना। पर ये जो कहा जा रहा है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला, अब बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। हमने अपने QR कोड के ज़रिए से मुस्लिम फैसला बोर्ड ने 3,70,00,000 ईमेल भेजे, इसके अलावा दूसरी मुस्लिम संस्थाओं ने भेजे हैं टोटल 5,00,00,000 ईमेल भेजे। अभी JPC की तरफ से बताया जा रहा है कि 1,25,00,000 ईमेल मिले, बाकी कहाँ गए? एक बात तो ये। दूसरी बात मुझे कहनी है कि इवन 1,25,00,000 मेल मिले हैं, आज ही एक साहब का जो JPC के मेंबर भी है, BJP के सांसद भी हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि एक ही तरह के ईमेल आए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें जाकिर नायक का इन्वॉल्वमेंट है, ISI का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, पता नहीं क्या क्या बता दिया। यानी यहाँ पे लोगों ने जो दिया है 1,00,00,000 लोगों ने वोट दिया है, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किसी बिल पर इतनी बड़ी पैमाने पर
लोगों की राय आई, और उनके एक बात से ऐसा लगा कि एक ही तरह की राय आई है कि बिल को रिजेक्ट किया जाए, तो अब आप इन्वेस्टिगेशन होम मिनिस्ट्री से करें, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। यानी इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है कि अगर पब्लिक राय देती है, हम पब्लिक को मोटिवेट करते हैं राय देने के लिए, तो अब आप उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि चाइना तो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, ISI तो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, जाकिर नायक तो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ऐसी बेहूदा बातें करके आप पब्लिक को खत मजाक कर रहे हैं। पर जो आप डाटा बता रहे हैं अपना और जो JPC का डाटा, वो तो बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें। बहरहाल हमको उससे बहस नहीं है। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि JPC के पास में जो ईमेल गए हैं उसमें उसको कोई पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा मालूम नहीं मुझे। लेकिन बहरहाल JPC में जो बहस चल रही है, हम भी गए ना उसमें, पर्सनला बोर्ड ने भी जाके अपना पक्ष रखा वहाँ पर, और भी लोग जाके रख रहे हैं पक्ष अपना। तो JPC में जो कंपोजिशन है अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी, तो उसे एक बात तो तय है कि यूनानिमस कोई डिसीजन नहीं होगा, है ना। उसके बाद जो भी आएगा, हो सकता कुछ चीज़ें निकाल दें, कुछ चीज़ें ख़त्म कर दें, लेकिन बहरहाल जो भी बिल आएगा वो पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में ही असल फैसला होगा कि ये संशोधन, ये जो अमेंडमेंट बिल आया, ये मंजूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो रोल जो है असल में पॉलिटिकल पार्टीज का होगा उसका। अगर अपोजिशन की पार्टियाँ और NDA के एलाइज BJP के इस यानी षड्यंत्रकारी काम की हिमायत नहीं करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक क्रोच क्वेश्चन ये भी है, और मुस्लिम ही कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि अगर वक्फ की इतनी संपत्ति हम लोगों के पास थी तो हमारी कौम इतनी पिछड़ी हुई क्यों? जिन लोगों के लिए वो हक दिया गया था उन लोगों को वो हक मिल क्यों नहीं रहा था? इसका मतलब जो ऊपर लोग बैठे थे वो इसको गवर्न कर रहे थे, इसको खा रहे थे, तो मोदी जी सही कर रहे हैं फिर इनके साथ? तो वक्फ बोर्ड गवर्न कर रहा था, सरकार गवर्न करना चाहती है, तो ये आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड गवर्न कर रहा? हाँ, ये बात इस्टेब्लिश है। भाई आप मुझे बताइए कि अंबानी को जो प्रॉपर्टी दी गई वो किसने दी है? वक्फ बोर्ड ने सौदा किया उसका? और ये तेलंगाना के अंदर जब ये KCR थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, कई एकड़ ज़मीन जो है कब्जा कर ली सरकार ने, किसने किया? वक्फ बोर्ड ने कॉपरेट किया उनके साथ में?